सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। गाइज, आज की हमारी वीडियो होने वाली है Instagram के एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, जब गाइज आप इंस्टाग्राम पर लॉगिन करने के लिए जाते हैं तो गाइज आपके सामने कुछ इस प्रकार का एरर आ जाता है, प्लीज वेट ए फ्यू मिनट बिफोर यू ट्राई अगेन। अगर गाइज आप भी फेस करते हैं इस प्रकार के एरर को तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आपको गाइज इस वीडियो को कम्प्लीट देखना है, यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 तरीके बताने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो 101% आपकी जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर गाइज सबसे पहले आप इस एरर के अंदर ही आप रीड कर सकते हैं, प्लीज़ वेट ए फ्यू मिनट्स। गाइज मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ, यहाँ पर फ्यू मिनट्स का मतलब यहाँ पर फ्यू मिनट्स नहीं है, यहाँ पर कुछ घंटे हो सकते हैं, कुछ दिन हो सकते हैं। तो गाइज इसलिए आपको यहाँ पर पहले तो मैं कुछ स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ, उनको फॉलो कर लेना है। सॉल्यूशन पर जाने से पहले गाइज मैं यहाँ पर आपको एक और बात बता दूँ कि ये जो एरर है ये हमारे सामने आता क्यों है। गाइज ये हो सकता है अगर आपने अपने मोबाइल में थर्ड पार्टी ऐप्स को इंस्टॉल किया हुआ है आपने लाइक्स बढ़ाने के लिए या अपने फॉलोवर्स को बढ़ाने के लिए, तो गाइज आपको सबसे पहले तो उस एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल से हटा देना होता है। और दूसरी बात क्या है गाइज, अगर आपने कई डिवाइसेस के अंदर अपने अकाउंट को लॉगिन कर रखा है तो गाइज तब भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है। अगर गाइज होता क्या है, मोस्टली तो ये प्रॉब्लम 90% उन लोगों को फेस होती है गाइज जो एक दिन में बहुत बार अपने अकाउंट को लॉगिन लॉग आउट करते रहते हैं। अगर गाइज आप भी कुछ इस प्रकार की ये बार बार एक्टिविटी करते हैं तो गाइज आपको भी इस प्रकार के ये एरर का सामना करना पड़ सकता है। अगर गाइज ऑलरेडी आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको गाइज सबसे पहले तो अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर आ जाना है। अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर आ जाने के बाद गाइज सबसे पहले तो आपको एक बार क्या करना है, अपना इंटरनेट जो डाटा है उसको यहाँ से चेक कर लेना है। आपको यहाँ से एरोप्लेन मोड को एक बार इनेबल कर देना है, फिर उसको डिसेबल कर देना है। ये कर देने के बाद गाइज अगर डाटा वगैरह के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी, उसके बाद आपको लॉगिन करके देख लेना है। तो गाइज आपकी ये प्रॉब्लम यहाँ से फिक्स हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो गाइज नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर गाइज आपको अपने इंस्टाग्राम को सर्च कर लेना है। यहाँ से गाइज अगर आपका इंस्टाग्राम अपडेट मांगता है तो गाइज आपको इसे अपडेट यहाँ से कर देना होता है। अगर गाइज आपका इंस्टाग्राम यहाँ से अपडेट नहीं मांगता है तो आपको इसको रहने देना है और आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद गाइज आपको थर्ड स्टेप के अंदर क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है और यहाँ पर ऐप इन्फो का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, आपको जस्ट इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद गाइज आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, फोर स्टॉप, अनइंस्टॉल, क्लियर डाटा। आपको क्लियर डाटा पर क्लिक कर देना है और यहाँ से गाइज पहले तो इसका कर देना है क्लियर कैच, उसके बाद गाइज आपको कर देना है इसका क्लियर ओल्ड डाटा। ये कर देने के बाद गाइज आपको क्या करना है, अगेन आपको अपने ऐप को बैकग्राउंड से क्लियर करने के बाद आपको अगेन यहाँ पर लॉगिन करके देख लेना है। अगर आपकी प्रॉब्लम तब भी सेम एडिटिज बनी रहती है तब गाइज आपको क्या करना है, देखिए आपको अपने इंस्टाग्राम को नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए लॉगिन करके नहीं देखना है, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर आकर ट्राई नहीं करना है। गाइज आपको 24 आवर्स तक अपने अकाउंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, अपने मोबाइल को एडिटिज एक जगह पर रख देना है। तो गाइज इससे क्या होगा, आप देखेंगे 24 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली ही आप यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम पर लॉगिन कर पाओगे। आप जब भी अपनी मेल आईडी, यूजर नेम या पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करने की कोशिश करेंगे 24 आवर्स के बाद, तो गाइज जो आपकी प्रॉब्लम है ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मेरे को जस्ट आपको इतना ही बताना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।